माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। जी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह 2021 के प्रारंभ के साथ माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध है कि अपने मूल्यवान शब्दों से स्वागत भाषण आरंभ करें। माननीय नमस्कार। आज देश की शिक्षक दिवस के अवसर पे सबसे पहले मैं देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आज के दिवस की एक विशेष महत्व है। आज हम हमारे राष्ट्र के शिक्षक रहे, देश के पहला उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की 133वां जन्मदिन के अवसर पे सालों से हम आज की दिवस को, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। और आज की दिवस पे भारत सरकार की ओर से एक परंपरा रही है, माननीय राष्ट्रपति जी की कर कमल पे देश की नई पीढ़ी को बनाने वाले आदरणीय शिक्षक समाज का सम्मान किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षक पुरस्कार दिवस को भी मनाया जाता है। आज हम सभी का सौभाग्य है आदरणीय राष्ट्रपति जी की गरिमामय उपस्थिति में देश के ऐसे 28 प्रांतों की 44 शिक्षक भाई बहनों को, जो राज्य की विद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा दान करते हैं, केंद्रीय विद्यालय, CBSE की अन्य स्कूल, सैनिक स्कूल और एकलव्य विद्यालय प्रयास में जो शिक्षक कार्यरत हैं, ऐसे महानुभवों को आज सम्मानित किया जाएगा। आज की दिवस पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा स्वागत के अवसर पे हमारी शिक्षा परिवार की ओर से, हमारी सहयोगी मित्र मंत्री मित्रों की ओर से और देशवासियों के सामने, शिक्षक हर एक व्यक्ति की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाते हैं। हम कुछ महीना पहले, शायद पिछले ही महीने, जब परम आदरणीय राष्ट्रपति जी अपने गृह नगरी कानपुर आए थे, कानपुर की दौरा किए थे, उस समय देश एक अद्भुत चित्र देखा था। अपने ही शिक्षक को जिस आदर के साथ आज विश्व की सबसे बड़ा प्रजातंत्र की शासन मुख्य जैसे आदर के साथ सम्मानित किए, यही हमारी देश की परंपरा पुराने दिनों से आज तक रही है। शिक्षक व्यक्ति को नहीं, समाज को और पीढ़ी को बनाते हैं। और शिक्षक कोई भी हो सकता है, माता पिता से लेके विद्यालय तक, शाला तक और महाविद्यालय तक, जिंदगी में आने वाले अनेक महानुभव हमको गुरु और शिक्षक के रूप में मिलते हैं। मैं आज के अवसर पे और एक व्यक्ति को याद करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के ओडिशा के दौरे में एक सामान्य चाय बेचने वाले व्यक्ति प्रकाश राव जी को प्रधानमंत्री जी ने आदर के साथ बुलाया था। उनके अन्य व्यस्त कार्यक्रम के अंदर प्रकाश राव जी को पास बिठा के सम्मानित किया। और प्रकाश राव वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जिंदगी की कमाई का सर्वस्व उनके घर की आसपास रहने वाले गरीब बच्चों को स्कूली शिक्षा देने में समर्पण करते थे। कोई शाला के शिक्षक नहीं थे, कोई सरकारी विद्यालय के शिक्षक नहीं थे, स्वयं प्रेरणा से समाज को शिक्षा दान की परंपरा को बनाए रखने वाले ऐसे अनेक प्रकाश राव महानुभवों को आज हम सम्मानित करते हैं, राधा कृष्णन जी के जन्मदिन पर सम्मानित करते हैं। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण दिवस पे, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन होना शुरू हुआ है, जिसमें हम 21वीं सदी को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है, और आज की शिक्षक दिवस इसीलिए महत्वपूर्ण होता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन का पहले सालगिरह के अवसर पे यह पहला शिक्षक दिवस है। निश्चित रूप में आज परम आदरणीय राष्ट्रपति जी की इस उपस्थिति हम सभी को प्रेरणा देगी और मैं पुनः आज की जो 44 शिक्षक भाई बहनों को देश की ओर से सम्मानित किया जाएगा उन्हीं को पुनः शुभेच्छा देते हुए मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करता हूं। नमस्कार। पग पग आगे बढ़ने में ऐसे बहुमूल्य शब्द न केवल प्रेरक होते हैं बल्कि पल पल संबल भी बढ़ाते हैं। ऐसे स्वागत उद्बोधन के लिए धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री जी। आइए अब प्रत्येक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की प्रेरणा एवं उपलब्धियों पर आधारित चलचित्रों को देखें। निका शासकीय भिवानी का शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यहाँ की मैथ्स टीचर सुश्री ममता पालीवाल अपनी छात्राओं को बहुत आसान और आनंद देने वाले तरीकों से मैथ्स पढ़ाने में यकीन रखती हैं। वो मैथ्स को भी 3D मॉडल और इंटरैक्टिव टूल्स के जरिए पढ़ाती हैं, छात्राओं को प्रोत्साहित करती हैं। शिक्षा के उनके इस योगदान के लिए सुश्री ममता पालीवाल को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्रदान किया जाता है। ये है हिमाचल प्रदेश के कलहोग कंडाघाट के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कमल किशोर शर्मा। इन्होंने स्कूल के स्टोर में पड़े पुराने टूटे फर्नीचर का उपयोग कर मिड डे मील का कमरा और फर्नीचर तैयार किया। स्कूल भवन के लिए समाज से जमीन दिलाई और ग्रामीणों के श्रम दान द्वारा भवन निर्माण कराया। श्री कमल किशोर शर्मा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। पंजाब के फतेहगढ़ साहब का एक छोटा सा गांव मनहेला, लेकिन यहां का शासकीय प्राथमिक विद्यालय किसी मामले में आधुनिक प्राइमरी स्कूल से कम नहीं। कलरफुल क्लासरूम, एजुकेशन पार्क, स्मार्ट क्लासेस और ये कमाल है यहां के अध्यापक श्री जगतार सिंह का। जगतार सिंह जी ने कम्युनिटी फंडिंग के जरिए इस प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प कर दिया। श्री जगतार सिंह को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। दिल्ली के रोहिणी का राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय और ये है यहाँ के वाइस प्रिंसिपल श्री विपिन कुमार। श्री विपिन के नेतृत्व में स्कूल के छात्र कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं। विद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के लिए मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। गणित और विज्ञान विषयों पर इनका विशेष ध्यान है। विद्यालय में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं। ऐसे में श्री विपिन इन्हें स्कूल के अंदर ही IIT, JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। श्री विपिन कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्रदान किया जाता है। जिला बीकानेर, प्रदेश राजस्थान, और ये हैं यहाँ के राजकीय उच्च विद्यालय के साइंस टीचर श्री दीपक जोशी। दीपक जोशी ने बच्चों के साथ मिलकर कई ऐसे वैज्ञानिक उपकरण बनाए हैं जो आम लोगों के काम आ सकें। श्री जोशी ने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है जिस पर तकरीबन 120 लो कॉस्ट टीचिंग कंटेंट डाले गए हैं। श्री दीपक जोशी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के छोटे से शहर सूरजगढ़ का शासकीय उच्चतर विद्यालय और यहाँ हर रोज की तरह सुबह सुबह खेल सिखाने में लगे श्री जय सिंह बच्चों को प्रशिक्षण के लिए बाहर ना जाना पड़े इसके लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की। इन्होंने अलग अलग सरकारी योजनाओं की मदद लेकर और स्थानीय लोगों की मदद से स्टेडियम तैयार किया। सूरजगढ़ के कई बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक की खेल प्रतियोगिताओं में परचम लहरा कर आए हैं। श्री जय सिंह को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये है श्री विनोबा भावे स्कूल राजकोट गुजरात की प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती वनीता दयाभाई राठौर। इन्होंने अपने छात्रों में पर्यावरण के प्रति लगाव और जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूल में कई परियोजनाएं लाई। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से, टैलेंटेड टीचर से और फ्री एजुकेशन से स्कूल नहीं बनता है, स्कूल बनता है बच्चों से। इनके इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये हैं भुज गुजरात के हितेन ढोलकिया विद्यालय के सृजनशील अध्यापक श्री अशोक कुमार परमार। श्री परमार ने नवनवीन खेल खिलौनों और पहेलियों के द्वारा विज्ञान की जटिल अवधारणाओं को विद्यार्थियों के लिए सरल बनाया। उन्हें यूट्यूब और व्हाट्सएप के माध्यम से अधिकाधिक विद्यार्थियों तक भी पहुँचाया। बच्चे खेल और मनोरंजन के माध्यम से पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। इनके इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है।
मध्य प्रदेश के मंडला जिले के हिंदी शिक्षक श्री शक्ति पटेल, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को सम्मिलित किया तथा QR कोड द्वारा निशुल्क नोट्स बच्चों को वितरित किए। इनकी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध मनोरंजक स्टडी मटेरियल से देश के हजारों छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। हिंदी विषय के पाठों की घटनाओं को वास्तविक जीवन की घटनाओं से जोड़कर पढ़ाने पर महत्व दिया। श्री शक्ति पटेल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये है राजकीय कृत मध्य विद्यालय देहरक रामगढ़ भभुआ बिहार के प्रधान अध्यापक श्री हरिदास शर्मा। बच्चों को सीखने का माहौल मिले इसके लिए दीवारों पर पेंटिंग्स, QR कोड लगा औषधीय उद्यान और कक्षाएं। हर छात्र ने एक एक पौधा भी गोद लिया। गुड मॉर्निंग बच्चों। इनके समर्पण को सरकार ने सराहा और श्री हरिदास शर्मा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये है MS Ranti गवर्नमेंट स्कूल राजनगर मधुबनी बिहार और ये है यहाँ की अध्यापिका सुश्री चंदना दत्ता। इन्होंने समाज में जाकर अल्पसंख्यक समुदाय से बात की जिससे विद्यालय में छात्राओं का नामांकन बढ़ा। एक भाषा शिक्षक के तौर पर इन्होंने अपनी शिक्षण पद्धति में स्थानीय कला और कौशल को सफलतापूर्वक एकीकृत किया। सुश्री चंदना दत्ता को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये है उड़ीसा भद्रक के जिला गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक श्री अशोक कुमार सतपथी, जिन्होंने स्कूल के विकास के लिए स्कूल के पूर्व छात्रों से जुड़कर नया सम्मेलन हॉल, कंप्यूटर लैब और स्कूल के लिए ICT उपकरण उपलब्ध कराए। हर अलमुनाई चाहता है कि मेरा स्कूल आगे बढ़े, मेरे स्कूल के बच्चे सारे दुनिया में नाम रोशन करे। श्री अशोक कुमार सतपथी के इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये हैं ओडिशा छत्रपुर के गवर्नमेंट UPS के शिक्षक श्री अजीत कुमार सेठी, जिन्होंने कला और संगीत के माध्यम से छात्रों में पढ़ाई में रुचि निर्माण करने का प्रयास किया है। ICT की कम लागत वाली सामग्री और संगीत का उपयोग करके मैं अपने छात्रों को शिक्षा प्रदान करता हूँ। अपने स्कूल के विकास के लिए उन्होंने स्थानीय समुदाय को जुटाया। श्री अजीत कुमार सेठी के इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये है सोवा नगर हाई स्कूल, सोवा नगर मालदा, वेस्ट बंगाल और ये है यहाँ के प्रधान अध्यापक डॉक्टर हरी स्वामी दास। इन्होंने समुदाय की मदद से अपने स्कूल के बुनियादी ढांचे को पुनर्निर्मित किया। बच्चों की स्कूल में निरंतर हाजिरी बनी रहे इस पर समुदाय में जाकर बात की और उनके इन प्रयासों से स्कूल में नामांकन तो बढ़ा ही, साथ ही विद्यालय छोड़ने की दर में भी भारी कमी आई। डॉक्टर हरी स्वामी दास को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। जम्मू और कश्मीर में बसा एक छोटा सा गांव इखानी और ये हैं यहाँ के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक श्री संजीव शर्मा। इन्होंने सुदूर इलाके में पढ़ने वाले इस स्कूल का कायाकल्प करके इसे मुख्य धारा से जोड़ा है। कोरोना भी इनके लिए बड़ी चुनौती लेकर आया, ऐसे में हर घर जाकर बच्चों की पढ़ाई में मदद की। प्राथमिक शिक्षा में योगदान के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। लद्दाख के कारगिल सेक्टर में करीब यहाँ का शासकीय माध्यमिक स्कूल एक नई तरह की प्रयोगशाला बन गया है। इसका श्रेय जाता है यहाँ के हेड टीचर श्री मोहम्मद अली को। इन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए लर्निंग बाय डूइंग का सहारा लिया। बच्चों की भाषा पर पकड़ हो इसके लिए लैंग्वेज क्लासेस शुरू की गई। इस रचनात्मक और अलग सोच के लिए श्री मोहम्मद अली को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का छोटा सा गांव यहां के शासकीय कन्या इंटर कॉलेज में सोशल साइंस की शिक्षिका तृप्ति माहौर ने अपनी रचनात्मकता और पढ़ाने के अनोखे तरीके से सोशल साइंस जैसे विषय को भी विज्ञान जैसे विषयों के श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। श्रीमती तृप्ति को पढ़ाने के उनके रोचक और रचनात्मक ढंग के लिए बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के शिवगंज का जूनियर हाई स्कूल और ये हैं यहाँ के साइंस टीचर श्री मनीष कुमार। इन्होंने पुरानी चीजों और कचरे का सही इस्तेमाल करके स्कूल का कायाकल्प किया है। एक साइंस पार्क और एक साइंस लेबोरेटरी भी बनाई है। श्री मनीष कुमार के अथक प्रयासों का नतीजा है कि न केवल बच्चे परीक्षाओं में अव्वल आए बल्कि उन्हें कई प्रतियोगिताओं में भी सफलता मिली है। मनीष कुमार को उनकी सफलता के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है।
राजधानी दिल्ली के द्वारका में बाल भारती पब्लिक स्कूल और ये है यहाँ की प्रिंसिपल श्रीमती सुरुचि गांधी। पढ़ाई के तरीकों को मजेदार बनाने के लिए इन्होंने नेचर वॉक, हेरिटेज वॉक जैसी एक्टिविटीज स्कूल में लागू कर रखी है। अटल टिंकरिंग लैब इनिशिएटिव के तहत भी इनके प्रोजेक्ट देश भर में जीत कर आए हैं। स्पोर्ट्स से साइंस तक हर क्षेत्र में बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं। श्रीमती सुरुचि गांधी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। पिलानी शहर का बिरला बालिका विद्यापीठ, श्रीमती अचला वर्मा ने गणित जैसे कठिन विषय को चुटकियों का खेल बना दिया है। इनकी छात्राएं क्लास में नहीं मैदान में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ती हैं। इन्होंने पढ़ाई में दो चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, दूसरा रिसर्च बेस्ड लर्निंग। ये छात्राओं को साइंस ट्रिप पर नासा लेकर गए। श्रीमती अचला वर्मा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में कजाकोटम शहर में बना सैनिक स्कूल देश के 33 सैनिक विद्यालयों में अलग रुतबा रखता है और इसका श्रेय जाता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर श्री मैथ्यू के थॉमस को। हमारे स्कूल का ध्येय रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एनडीए में भेज पाएं। आम स्कूलों से हटकर श्री मैथ्यू ने एक एस्ट्रोनॉमी लैब भी बनाई है। श्री मैथ्यू के थॉमस को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये छत्तीसगढ़ बस्तर के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के अंग्रेजी के लेक्चरर श्री प्रमोद कुमार शुक्ला हैं। उन्होंने आदिवासी बच्चों को अंग्रेजी में सक्षम बनाया है। इनोवेटिव आइडियाज अगर यूज की जाए तो बच्चों में जो सीखने की रुचि है वो बढ़ जाती है। कोरोना के इस वक्त में छात्रों तक ऑनलाइन पहुंचकर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराई। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के पट्टम केंद्रीय विद्यालय के लाइब्रेरियन श्री फैजल ने अपने रचनात्मक तरीकों से लाइब्रेरी के जरिए कई छात्रों को पढ़ने से जोड़ा है। साथ ही फेस अ बुक, गिफ्ट अ बुक के अलावा फैजल बच्चों को स्टोरी टेलिंग आर्ट में भी पारंगत कर रहे हैं। श्री फैजल ने एक ओपन लिटिल लाइब्रेरी भी बनाई है। श्री फैजल को उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश वेस्ट सियांग के स्कूल के प्रधान अध्यापक श्री डूडा सोरा, जब से ये स्कूल में नियुक्त हुए किसी भी विद्यार्थी ने शिक्षा बीच में नहीं छोड़ी। 33% तक एडमिशन संख्या भी बढ़ी है। वजह है मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और शिक्षा को मनोरंजन के सांचे में ढालना। कोरोना काल में भी इन्होंने इसका दुष्परिणाम शिक्षा पर पड़ने नहीं दिया। श्री डूडा सोरा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। नागालैंड के जाकमा गांव का शासकीय माध्यमिक विद्यालय सुर्खियों में है। यहां की हेडमास्टर श्रीमती स्वेदे सुनो जाओ की वजह से बच्चे पढ़ाई ना छोड़े, इसके लिए जाओ ने बहुत मेहनत की है। जाओ ने घर घर जाकर लोगों को पढ़ाई का महत्व समझाया। जाओ ने बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को अपनाया है। पूरे स्कूल की दीवारें और क्लासरूम भी किताबों की तरह हैं। बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। मणिपुर के उखरुल के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मैथ्स लेक्चरर श्री निंगमारियो श्रीमॉय ज्यादातर बच्चों के चाहते हैं। श्रीमॉय ने अपनी अलग हट के सोच और रचनात्मक तरीकों से गणित जैसे कठिन विषय को सरल बना दिया है। पहाड़े याद रखना हर छात्र के लिए सबसे कठिन होता है, लेकिन श्रीमॉय की तकनीक नंबर बायगोड सिस्टम ने इसे आसान बना दिया है। श्री निंगमारियो श्रीमॉय को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये हैं टीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भौतिक विज्ञान के शिक्षक प्रेम दास छेत्री। इन्होंने आईसीटी तकनीक के जरिए भौतिक विज्ञान में छात्रों की रुचि बढ़ाई। रोबोटिक्स जैसे जटिल विषय को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की। श्री प्रेम दास छेत्री को बतौर शिक्षक राष्ट्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। सिक्किम के ग्रामीण इलाके में स्थित लूम प्राथमिक पाठशाला के प्रधानाध्यापक हैं श्री मिंगमा शेरपा। इन्होंने समुदाय के आर्थिक सहयोग से स्कूल भवन का निर्माण कराया, जिससे बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई। शैक्षणिक स्तर को कई तरह से दिलचस्प बनाया। बेकार पड़े सामानों को टीचिंग मटेरियल बनाया। कोविड के दौरान जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क ऑनलाइन मार्गदर्शन दिया। श्री मिंगमा शेरपा को बतौर शिक्षक राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
मिजोरम के ईस्ट लंगर के नॉर्थ 195 में ANM ग्रैंड चाइल्ड स्कूल और यहाँ की हेड टीचर जेसिंटा वालन लिंग्स ने। जेसिंटा अपने बच्चों को नए रचनात्मक तरीकों से पढ़ाने में यकीन रखती हैं। जेसिंटा ने अपने स्कूल को जीरो वेस्ट ग्रीन स्कूल बनाया है और प्राइमरी कक्षा के बच्चों के लिए उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी खोला है। जेसिंटा वालन लिंग्समी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। देश के उत्तर पूर्वी कोने में बसे त्रिपुरा के डुकली में पांडवपुर गांव और इस छोटे से गांव के हाई स्कूल के शिक्षक श्री शिव शंकर पाल। पहले स्कूल में केवल 250 बच्चे थे जो श्री शिव शंकर पाल के लगातार प्रयत्नों से बढ़कर 380 हो गए। बच्चों का स्कूल में मन लगे रहने का राज है जॉयफुल लर्निंग। श्री पाल बच्चों को खेल खेल में ही सारे सबक याद कराते हैं और फंड रेजिंग के जरिए पूरे स्कूल का कायाकल्प कर दिया। श्री शिव शंकर पाल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। जिला जोड़हा राज्य असम और ये हैं यहाँ के बमन पोखड़ी हाई स्कूल के टीचर श्री कंकन किशोर दत्ता। लर्निंग को मजेदार बनाने के लिए इन्होंने ARVR जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया। कोविड महामारी के दौरान इन्होंने विद्यादान और SCI फॉर्म यूट्यूब चैनल पर ऑडियो विजुअल कंटेंट्स अपलोड किए। श्री कंकन किशोर दत्ता को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। जिला बक्सा राज्य असम और ये हैं यहाँ के KB देवलकुशी हाई स्कूल के बोडो साहित्य के शिक्षक श्री बिनंदो सरग्यारी। बोडो लिटरेचर को दिलचस्प बनाने के लिए इन्होंने लोक कथाओं, कविता, कहानी और गीतों जैसे माध्यमों का सहारा लिया। कोविड महामारी के दौरान भी इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बोडो भाषा को बच्चों तक पहुँचाया। श्री बिनंदो सरग्यारी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये है झारखंड के सिंहभूम के हिंदुस्तान मित्र मंडल स्कूल के शिक्षक श्री मनोज कुमार सिंह, जिन्होंने कविताओं से विज्ञान और खिलौने से गणित सिखाकर बच्चों के लिए पढ़ाई को रोचक बनाया है। मैंने देखा कि बच्चे क्लासरूम से ज्यादा क्लासरूम के बाहर में सहजता से सीखते हैं। जटिल विषयों को रोचक और आनंदमय बनाया है। इनके इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। जिला त्रिशूर प्रदेश केरल और ये है वेरावूर पंचायत गांव के प्राइमरी स्कूल GLPS के हेड टीचर श्री प्रसाद मना परम्बली भास्करन। इनके द्वारा शुरू किया गया बायोडायवर्सिटी पार्क पूरे राज्य के लिए एक मिसाल है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर हफ्ते स्कूल में पारंपरिक नृत्य, वादन और मार्शल आर्ट की क्लास चलानी शुरू की। श्री प्रसाद मना परम्बली भास्करन को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। कोनाथला फनी भूषण श्रीधर, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के जिला परिषद हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं, इन्होंने अपने विद्यार्थियों को पारंपरिक तकनीकों जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, वर्मी कंपोस्टिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। श्री कोनाथला फनी भूषण को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। श्री एस मुनि रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के ZP हाई स्कूल में गणित के अध्यापक हैं, बहुत से विद्यार्थियों को NMMS स्कॉलरशिप्स मिली हैं और अनेक को देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में दाखिला मिला है। मैंने ग्रामीण बच्चों के भविष्य सुधारने पर ज्यादा ध्यान दिया। श्री एस मुनि रेड्डी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। श्री रंगैया कदेरला, जो तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के एक प्राइमरी स्कूल में प्रधान अध्यापक हैं, इनकी नवीन सोच के कारण लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कराने के लिए स्कूल के लगभग 100 अलुमिनी ने अपना पूरा सहयोग दिया। हम बहुत खुश हैं कि अब बच्चे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज सीख रहे हैं। श्री रंगैया कदेरला को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये है श्री रामास्वामी पय्यावुला जिला परिषद हाई स्कूल इंदिरा नगर सिद्दीपेट यू तेलंगाना के प्रधान अध्यापक। बीइंग हेडमास्टर आई एनविजन्ड टू एक हेडमास्टर के नाते मैंने स्कूल और बच्चों के विकास के लिए काम किया है। इन्होंने अपनी लगन और प्रयासों से इस सरकारी स्कूल को शहर के सबसे लोकप्रिय स्कूलों में से एक बना दिया। श्री रामास्वामी पय्यावुला को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है।
बैंगलोर के डोडा बना हालिका गवर्नमेंट हाई स्कूल। यहाँ पर साइंस टीचर श्री नागराजा सीएम ने अपने रचनात्मक तरीकों से विज्ञान को बेहद सरल बना दिया है। श्री नागराजा की केमिस्ट्री माइक्रोकिट से बच्चे कहीं भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री नागराजा सीएम को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती आशा देवी के इस निराले तरीके से यहाँ माता पिता से गुहार लगा रही हैं कि वे अपने बच्चों का दाखिला इनके स्कूल में कराएं। और इसी का नतीजा है कि स्कूल में बच्चों की संख्या 7 गुना से अधिक हो गई। आशा देवी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये है तमिलनाडु के ईरोड जिले का गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसके प्रधानाध्यापिका और फिजिक्स टीचर श्रीमती ललिता डी ने स्कूल में पढ़ाई का अंदाज ही बदल दिया है। अच्छी, मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर कॉन्सेप्ट को रोजमर्रा की चीजों से जोड़कर समझाऊं। स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब को स्थापित करने की पहल की। ललिता डी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के सिरोंचा ब्लॉक में छोटे से गांव असारअली का जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय स्कूल के अध्यापक श्री खुर्शीद कुतुबुद्दीन शेख लगातार इस आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीमावर्ती इलाके के कारण भाषा पढ़ाई के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसके लिए श्री खुर्शीद ने मैं भी रिपोर्टर नाम से एक्टिविटी शुरू की। श्री खुर्शीद कुतुबुद्दीन शेख को उनके इस योगदान के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। जिला उस्मानाबाद महाराष्ट्र के कटदोरा गांव का जिला परिषद प्राइमरी स्कूल, यहां के अध्यापक श्री उमेश रघुनाथ पोसे ने इलाके के 100% बच्चों को स्कूल तक लाने में कामयाबी हासिल की है। बच्चों को बेहतर संसाधन मिल सकें, इसके लिए इन्होंने कम्युनिटी हेल्प के जरिए डिजिटल क्लासरूम बनाए। उन्होंने बच्चों के लिए अपने टैबलेट डिजाइन किए हैं। बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। पुडुचेरी के मानापेट के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के अध्यापक श्री जया सुंदर वी बच्चों को नए आइडिया और प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरा मकसद है कि मैं देश के लिए भविष्य के वैज्ञानिक तैयार करूं। इनकी देखरेख में बच्चों ने कई प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक किया है और कुछ स्टूडेंट्स का चयन इंस्पायर मानक अवार्ड्स में भी हो चुका है। जया सुंदर वी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। अनिका शासक, इस संक्षिप्त चलचित्र के माध्यम से हमने सभी पुरस्कृत शिक्षकों के बारे में और उनके द्वारा किए गए नवाचार और शिक्षा को बेहतर बनाने वाले प्रयासों को जाना। अब समय है सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा शिक्षकों के योगदान के लिए उनका अभिनंदन एवं सम्मान करने का। अब हम सभी सम्मानित शिक्षकगणों का क्रमवार नाम पुकारेंगे और उनसे निवेदन है कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करें। इस कड़ी में पहला नाम है हरियाणा से श्रीमती ममता पालीवाल, व्याख्याता राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी। हिमाचल प्रदेश कंडाघाट कलहौक से श्री कमल किशोर शर्मा, प्रधानाचार्य गवर्नमेंट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। पंजाब से श्री जगतार सिंह, शिक्षक राजकीय प्राथमिक विद्यालय मानेला फतेहगढ़ साहिब। राजस्थान झुंझुनू सूरजगढ़ पिलानी से श्रीमती अचला वर्मा, अध्यापिका बेला बालिका विद्यापीठ। राजस्थान से श्री दीपक जोशी, शिक्षक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दांडूसर बीकानेर। राजस्थान झुंझुनू सूरजगढ़ से श्री जय सिंह, सीनियर फिजिकल टीचर शासकीय उच्चतर विद्यालय देव रोड। गुजरात से श्रीमती वनीता दयाभाई राठौड़, प्रधानाचार्य श्री विनोबा भावे, स्कूल नंबर 93, वेस्ट जोन राजकोट। गुजरात भुज से श्री अशोक कुमार मोहनलाल परमार, अध्यापक हितेश कुलकिया विद्यालय। मध्य प्रदेश से
श्री शक्ति पटेल माध्यमिक शिक्षक राजकीय उच्च विद्यालय मंडला बिहार भभुआ रामगढ़ ढहरक से श्री हरिदास शर्मा प्रधान अध्यापक राजकीय कृत मध्य विद्यालय बिहार से श्रीमती चंदना दत्त शिक्षिका एमएस राती राजकीय विद्यालय राजनगर मधुबनी ओडिशा भद्रक से श्री अशोक कुमार सत्पती अध्यापक जिला गवर्नमेंट स्कूल ओडिशा से श्री अजीत कुमार सेठी कार्यवाहक प्रधानाध्यापक राजकीय अपर प्राइमरी स्कूल कनमना छतरपुर गंजम पश्चिम बंगाल मालदा सोवा नगर से श्री हरिस्वामी दास प्रधानाध्यापक सोवा नगर हाई स्कूल जम्मू कश्मीर से श्री संजीव कुमार शर्मा शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय इखनी रियासी लद्दाख कारगिल कन्नूर से श्री मोहम्मद अली प्रधान अध्यापक शासकीय माध्यमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश से श्रीमती तृप्ति माहौर शिक्षिका राजकीय कन्या इंटर कॉलेज किला सदर रामपुर उत्तर प्रदेश औरैया शिवगंज से श्री मनीष कुमार अध्यापक जूनियर हाई स्कूल दिल्ली से श्रीमती सुरुचि गांधी प्रधानाचार्य बाल भारती पब्लिक स्कूल सेक्टर 12 द्वारका दिल्ली रोहिणी सेक्टर 11 से श्री विपिन कुमार उप प्रधानाचार्य राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय केरल से श्री मैथ्यू के थॉमस शिक्षक सैनिक स्कूल काजकुटम तिरुवनंतपुरम फ्रॉम केरला त्रिशूर वेरावर श्री प्रसाद मनापरम्बिल भास्करन हेड टीचर एट गवर्नमेंट लोअर प्राइमरी स्कूल केरल से श्री फैजल एसएल टीजीटी लाइब्रेरियन केंद्रीय विद्यालय पट्टम तिरुवनंतपुरम अरुणाचल प्रदेश वेस्ट सियांग से श्री डूडा सोरा प्रधान अध्यापक गवर्नमेंट उच्च प्राथमिक विद्यालय नागालैंड से श्रीमती स्वेदे सोनू गांव मुख्य शिक्षिका राजकीय माध्यमिक विद्यालय जखमा कोहिमा मणिपुर उखरुल से श्री निंग मारियो शिमरे विख्याता उखरुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिक्किम से श्री प्रेमदास छेत्री शिक्षक करताशी नामग्याल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गैंगटॉक सिक्किम नॉर्थ सिक्किम से श्री मिंगमा शेरपा प्रधान अध्यापक लूम प्राथमिक विद्यालय मिजोरम से श्रीमती जैसिंता वालन लेंग्जमी मुख्य शिक्षिका A&M ग्रैंड चाइल्ड स्कूल ईस्ट लंगर सिरचिप त्रिपुरा वेस्ट त्रिपुरा दुकली आरडी ब्लॉक पांडवपुर से श्री शिव शंकर पाल मुख्य शिक्षक पांडवपुर उच्च विद्यालय असम से श्री कंकण किशोर दत्ता शिक्षक बमन पुखुरी हाई स्कूल पूर्वी जोरहाट असम बक्सा से श्री बिनंद स्वर्गियारी अध्यापक केबी दोलकुची उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झारखंड से श्री मनोज कुमार सिंह शिक्षक हिंदुस्तान मित्र मंडल मिडिल स्कूल जमशेदपुर पूर्वी सिंह भूम छत्तीसगढ़ बस्तर से श्री प्रमोद कुमार शुक्ला विख्याता एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल आंध्र प्रदेश से श्री कोणाथाला फणी भूषण श्रीधर शिक्षक जिला परिषद हाई स्कूल एस रायावरम विशाखापट्टनम फ्रॉम आंध्र प्रदेश चित्तूर श्री एस मुनि रेड्डी टीचर एट जिला परिषद हाई स्कूल तेलंगाना से श्री रंगैया कडेरला कार्यवाहक प्रधानाध्यापक मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल स्वारखेड़ा कुमुराम भीम आसिफाबाद फ्रॉम तेलंगाना सिटी पेट इंदिरा नगर श्री रामास्वामी पयावला हेड टीचर एट जिला परिषद हाई स्कूल कर्नाटका से श्री नागराजा सीएम शिक्षक गवर्नमेंट हाई स्कूल बैंगलोर साउथ फ्रॉम तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली मिस आशा देवी के हेड टीचर एट पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल तमिलनाडु से श्रीमती ललिता डी प्रधानाध्यापिका राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोटाकुरीची ई रोड महाराष्ट्र
गढ़चिरौली सिरोंचा से श्री खुर्शीद कुतुबुद्दीन शेख, अध्यापक जिला परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालय। महाराष्ट्र से श्री उमेश रघुनाथ खोसे, शिक्षक जिला परिषद प्राइमरी स्कूल जगदम्बा नगर उमरेगा उस्मानाबाद। फ्रॉम पुडुचेरी मनापेश श्री जया सुंदर बी, टीचर एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय की ओर से सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई। ऑन बिहाफ ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल अवॉर्डीज। अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करने हेतु अपने बहुमूल्य आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। शिक्षक दिवस के इस समारोह में प्रमुख रूप से भाग लेने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी एवं डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारीगण, विभिन्न केंद्रों पर उपस्थित शिक्षकगण, गणमान्य अतिथियों, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे और भी अधिक प्रसन्नता होती यदि हम सब एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं, परंतु विगत वर्ष की तरह इस साल भी कोविड की महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों ने हमें सबको सामूहिक उपस्थिति से वंचित रखा है। अपने विशिष्ट योगदान के लिए आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई और साधुवाद देता हूँ। ऐसे शिक्षकों के विषय में जानकर मेरा यह विश्वास और भी मजबूत होता है कि भावी पीढ़ियों का निर्माण हमारे सुयोग्य शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है। यह हम सभी को ज्ञात है कि शिक्षक दिवस का आयोजन पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉ. राधाकृष्णन एक दार्शनिक और विद्वान के रूप में विश्वविख्यात थे। यद्यपि उन्होंने अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया, परंतु वो चाहते थे कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में ही याद किया जाए। डॉ. राधाकृष्णन ने एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सबके जीवन में शिक्षकों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर व्यक्ति को अपने शिक्षकों की याद आजीवन रहती है। जो शिक्षक स्नेह और निष्ठा के साथ अपने विद्यार्थियों को निखारते हैं, उनके प्रति ऐसे विद्यार्थी सदैव आदर भाव रखते हैं। आज तक मुझे अपने आदरणीय शिक्षकों की याद आती रहती है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुझे अपने स्कूल में जाकर अपने वयोवृद्ध शिक्षकों का सम्मान करने तथा उनका आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। आप सबके विद्यार्थी भी आप सभी के लिए अपने हृदय में विशेष स्थान रखते हैं, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक के रूप में अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को दिया करते थे। वे अपने स्कूल के एक अध्यापक के विषय में बताया करते थे कि जिनके पढ़ाने की रोचक शैली के कारण बचपन में ही उनमें एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने की ललक पैदा हुई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इतने उत्साहित रहते थे कि उन्हें जब भी अवसर मिलता था वे अध्यापन कार्य में लग जाते थे। ऐसी विभूतियों ने समाज के निर्माण में शिक्षकों के कार्य की महत्ता को रेखांकित किया है। आप सभी अपने विद्यार्थियों में एक स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करने और उसके लिए योग्यता अर्जित करने की प्रेरणा जगा सकते हैं तथा उन्हें सक्षम बना सकते हैं ताकि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकें। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे अपने विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करें। संवेदनशील शिक्षक अपने व्यवहार, आचरण व शिक्षण से विद्यार्थियों का भविष्य संवार सकते हैं। प्रिय शिक्षकगण,
पिछले वर्ष लागू की गई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने का महत्वाकांक्षी उद्देश्य निश्चित किया गया है। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जो ज्ञान पर आधारित न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो, देश के प्रति प्रेम की भावना मजबूत बने तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में वे अपनी भूमिका के बारे में सचेत रहें। शिक्षकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता अलग होती है, उनकी प्रतिभा अलग होती है, मनोविज्ञान अलग होता है, सामाजिक पृष्ठभूमि व परिवेश भी अलग अलग होता है। इसलिए हर एक बच्चे की विशेष जरूरतों, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उसके सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। मेरा मानना है कि हर किसी के व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ में उसके माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा शुरू किया जाता है। हमारी परंपरा में प्रत्येक व्यक्ति को सुयोग्य और प्रत्येक वस्तु को उपयोगी माना गया है, किसी को भी अयोग्य या अनुपयोगी नहीं माना गया है। संस्कृत में एक सुभाषित है, आमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम, अनौषधम अयोग्या पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। अर्थात ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसके प्रयोग से सार्थक कथन अथवा मंत्र की रचना ना हो सके, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसका उपयोग औषधि के रूप में ना हो सके, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें योग्यता ना हो, लेकिन इन सब का संयोजन करने वाले व्यक्ति ही दुर्लभ होते हैं। किसी भी समाज में निहित प्रतिभा के संयोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी शिक्षकों की ही होती है। एक अच्छा शिक्षक व्यक्तित्व निर्माता है, समाज निर्माता है और राष्ट्र निर्माता भी है। हमारे देश में उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था के उदाहरण उपलब्ध रहे हैं। लगभग 125 वर्ष पहले पश्चिम के विकसित देशों में शिक्षाविद विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने के विषय में वाद विवाद कर रहे थे तथा स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड की सोच को विश्व के प्रमुख शिक्षण संस्थानों द्वारा अपनाया गया था। उस समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विद्यालय शांति निकेतन में शारीरिक दंड सर्वथा वर्जित था। गुरुदेव मानते थे कि ऐसे दंड का विद्यार्थियों के कोमल मनोमस्तिष्क तथा व्यक्तित्व विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आज पूरा शिक्षा जगत इस मनोवैज्ञानिक तत्व को स्वीकार करता है। इस प्रकार भारतीय परंपरा के संवाहक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा संबंधी सोच अत्यंत आधुनिक थी। हमें अपनी परंपरा में निहित आधुनिकता को अपनाना है। आपको यह सदैव ध्यान में रखना है कि भय पर आधारित शिक्षा के मुकाबले प्रेम पर आधारित शिक्षा अधिक सिद्ध, अधिक कारगर सिद्ध होती है। देवी और सज्जनों, पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुए संकट से गुजर रहा है। इस परिस्थिति में जब सभी कॉलेज और स्कूल बंद थे, तब भी शिक्षकों ने विषम स्थितियों का सामना करते हुए बच्चों की शिक्षा का क्रम रुकने नहीं दिया। इसके लिए शिक्षकों ने प्रयासपूर्वक बहुत कम समय में ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना सीखा और शिक्षा प्रक्रिया को जारी रखा। ऐसे सराहनीय प्रयास करने वाले कुछ शिक्षकों को आज पुरस्कृत भी किया गया है। मुझे बताया गया है कि कुछ शिक्षकों ने अपनी मेहनत और लगन से स्कूलों में उल्लेखनीय बुनियादी सुविधाएं विकसित की हैं। मैं ऐसे समर्पित शिक्षकों को साधुवाद देता हूं। समस्त शिक्षक समुदाय से मैं अपेक्षा करता हूं कि वे बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपनी शिक्षण पद्धति में भी बदलाव करते रहेंगे। शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मंत्रालय ने एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा का संचालन आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रज्ञाता अर्थात डिजिटल शिक्षा पर दिशा निर्देश भी एक सराहनीय कदम है।
जो कोविड महामारी के संकट काल में भी शिक्षा की गति को बनाए रखने की दृष्टि से गत वर्ष उठाया गया था। इन दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने का रोड मैप साझा किया गया है। विषम परिस्थितियों में भी नए रास्ते तलाशने के लिए मैं केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की पूरी टीम की सराहना करता हूँ। मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई है कि आज पुरस्कृत किए गए 44 शिक्षकों में 10 महिलाएं शामिल हैं। शिक्षक के रूप में महिलाओं की भूमिका सदैव प्रभावशाली रही है। 19वीं शताब्दी में ही भारत के सर्वप्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाकर विदुषी सावित्रीबाई फूले ने बालिका शिक्षा की दिशा में कालजयी योगदान किया। वे स्वयं भी आजीवन शिक्षा प्रदान करने का पवित्र कार्य करती रही। बेटियों की शिक्षा को अप्रतिम योगदान देने के लिए ऐसी महान विभूति को मैं हृदय से नमन करता हूं और आशा करता हूं कि उनके आदर्शों से अनगिनत लोगों को प्रोत्साहन और प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। अंत में एक बार पुनः मैं सभी पुरस्कृत शिक्षकों को बधाई देता हूं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अपने बहुमूल्य शब्दों से हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए सम्माननीय आपका धन्यवाद। अब मैं माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से अनुरोध करूंगी कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। महोदय, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता एवं विशिष्ट अतिथिगण, यह मेरे लिए बड़े सम्मान और सौभाग्य की बात है कि मुझे इस अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक महान दार्शनिक और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की शिक्षाएं न केवल हमारे शिक्षक समुदाय के लिए अपितु संपूर्ण देश के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। इस दिन देश हमारे कुछ समर्पित और प्रतिबद्ध शिक्षकों को मानव पूंजी के विकास में उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित करता है। इस अवसर पर हमारे साथ रहने के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के हम सभी बहुत आभारी हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की भूमिका पर प्रेरणादायी शब्द हम सभी के लिए बड़े प्रोत्साहन का स्रोत है। साथ ही मैं इस अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री जी के सहयोग, मार्गदर्शन और हर कदम पर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। महोदय, आपके प्रेरक संबोधन के लिए धन्यवाद। इस शुभ अवसर पर शोभा बढ़ाने और अपनी खुशी साझा करने के लिए सभी विशिष्ट अतिथियों का भी आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही सभी सम्मानित शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को आकार देने और समाज में उत्तम मूल्य विकसित करने के निमित्त आज पुरस्कृत हुए हैं। पुनः मैं इस समारोह में शिरकत करने और भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हर प्रतिभागी का भी धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। प्लीज।